नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश वालिया। आज आपको हम बताएंगे ब्रांड के बारे में। थोड़ा से पहले कि थैंक्स फॉर आप सभी का, 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने भी, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे मेरे साथ, और अच्छी अच्छी वीडियो बना के मैं आपको दिखाता रहूँगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रांच रखी हुई है, तो टाइप ऑफ ब्रांच, ब्रांच कितने प्रकार की हैं और ये ब्रांच कैसे काम करती हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रांच जो होती हैं वो दो प्रकार की ब्रांच होती हैं, एक होती है हैंड कंट्रोल और एक होती है नॉन हैंड कंट्रोल। एक जिसे एक एक तो जो ब्रांच है जिससे कि हम कोई भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो उसे पानी को वहीं पे हमारा जो फायरमैन है या फायर फाइटर जो है उसको वहीं पे बंद कर सके, ठीक है। और दूसरी होती है जहाँ से हमारा हाइड्रेंट से या फायर टेंडर से अगर पानी मॉनिटरिंग कर रहा है जो, तो वहाँ से वो वाल्व बंद करेगा तभी पानी बंद होगा, ठीक है। आप पहले तो हम समझेंगे ब्रांच को काम क्या है, कहाँ काम आती है ये ब्रांच। जब हम फायर फाइटिंग करते हैं, जहाँ से पानी लिया जाता है, पाइप फायर पाइप लाइन लगाई जाती है, उसके बाद जब हम आग बुझाने के लिए पानी को प्रेशर से थ्रो करने के लिए इन चीज़ों का हम ब्रांच का यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप की ब्रांच इनका यूज़ करते हैं। जिस तरीके की फायर रहती है उस तरीके की हम ब्रांच का हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नन हैंड कंट्रोल ब्रांच, जो जो हाथ से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब पानी का कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस टाइप की जो ब्रांच है उनका नाम क्या है, वो यूज कैसे होती है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आ जाते हैं हम शॉर्ट ब्रांच, ये पीतल की भी आती है और एसएस में भी आती है आजकल, क्योंकि पीतल की ज़्यादा चोरी होती है, तो इसकी वजह से लोग अभी जो ब्रांच है इस तरह की आने लग पड़ी है एसएस की। तो हम बात करते हैं इन ब्रांचों की। ये शॉर्ट ब्रांच होती है, इन्हें हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है, ये फायर फाइटिंग करते टाइम पे हमको यूज़ करते हैं हम इस पर। इसके जो क्या है नोजल हैं, उनका हम नोजलों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये नोजल खोल दिया मैंने, ये डिफरेंट टाइप के नोजल रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे नोजल रखे हैं, 6 टाइप के नोजल रखे हैं, अलग अलग सबका डाया है। ये नोजल क्या हम इनको लगा के किसी में भी लगा के हम इसमें लगा के चेंज कर सकते हैं, नोजल किसी में नोजल लगा लगा सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के नोजल हैं, ये अलग इसलिए है कि हमको किस प्रकार का कितना पानी का प्रेशर चाहिए, हमको कितना पानी चाहिए या कितना थो हमको पानी का आगे देना है, उस तरीके से हम इसमें नोजल का आगे का चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी रिवॉल्विंग ब्रांच। ये ब्रांच आपने देखी होंगी, ये घूमती है, देखा है, इसमें होल जो होते हैं नोजल लगे होते हैं, 9 प्रकार के इसमें नोजल हैं, 9 मतलब 9 नोजल लगे हुए इसमें। वो ये भी ना हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ये ब्रांच का काम वहाँ पे आता है जहाँ पे हम अंदर जा नहीं सकते, जैसे गोदाम वगैरह है या कहीं भी बिल्डिंग वगैरह के अंदर नहीं जा सकते आग बुझाने के लिए, तो उसमें जाने के लिए तो क्या करते हैं हम, इसको होल से लगा के उसको अंदर फेंक देते हैं, अंदर इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि चारों तरफ घूम के जब चालू हो जाए तो चारों तरफ घूम के ये आपको बुझा दे। जब देखिए पूरा कंट्रोल घूम रहा है, इससे कि जब पानी चलता है इससे तो पूरे प्रोसेस से ये रोलिंग करता है। अब आ जाते हैं हैंड कंट्रोल ब्रांच। अब आ गई हमारे पास फॉग ब्रांच, इसमें हम जेट भी यूज कर सकते हैं और फॉग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हाथ में दे रखा है कंट्रोल करने के लिए, हम जेट भी यूज कर सकते हैं और आगे कर देंगे तो इसमें हम फॉग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नोजल लगा हुआ है इसमें, तो ये कौन सी ब्रांच होगी अपनी, फॉग ब्रांच, ठीक है दोस्तों, ये भी हैंड कंट्रोल ब्रांच है। अब आ जाते हैं ट्रिपल पर्पस ब्रांच, जिसको हम ट्रिपल पर्पस ब्रांच भी बोलते हैं। इस ब्रांच का काम जेट फेंकने काम भी आता है, और जैसे कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जैसे आग आगे बढ़ रही है हमारे ऊपर, आग आ रही है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये फोग भी बनाती है और जेट भी बनाती है, और उसके बाद एक बंद भी हो सकती है, जहाँ पे फायर फाइटर फायरमैन खड़ा है आग बुझा रहा है
तो वहीं पे इसको हम कंट्रोल कर कर करके इसको बंद भी कर सकते हैं और वहीं से इसको हम चालू भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं लंदन हैंड कंट्रोल ब्रांच, इसको ब्रिटिश ब्रांच भी बोलते हैं। ये बिल्कुल जेट की तरह पानी फेंकती है, इसको हाथ पे ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल दे रखा है, बढ़िया है, और इसको हम कहीं अलग अलग तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फायर फाइटिंग कर रहे हैं वैसे हम इसको चला के हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी लंदन हैंग कंट्रोल ब्रांच। अब ये छोटा सा एक चीज़ जो भी रखी है, ये हमारा होजिल जो रहते हैं, होजिल नोजल है, इसको भी जो होजिल रहती है प्लांट में जो छोटी लगी रहती है उनके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये भी हैंग कंट्रोल ही है, इसको यूज़ करने के लिए जब चालू किया तो इसको ऑन ऑफ भी हम कर सकते हैं, ये छोटा सा नोजल है। अब आ जाते हैं, ये दो ब्रांच रखी हुई हैं, एक है 10x और एक 5x। ये जो हमारे बात करते हैं 10x की, ये नन हैंग कंट्रोल है, ये हम जैसे ऑयल फायर वगैरह रहती है उसमें यूज़ करते हैं, इसको हम फोक ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, फोम मेकिंग ब्रांच भी बोलते हैं। और ये 10x है, मतलब 10 गुना फोम बनाती है। ठीक है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो अलग से पाइप दे रखी है इसको क्या करते हैं, हम गैलन वगैरह जो भी फोम का गैलन रहता है उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरीके से पकड़ के यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें ये होल भी देखे हैं, तो जब हम फोग बनता है तो उसके लिए हवा की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 10x फोम ब्रांच, फोम मेकिंग ब्रांच। अब आ जाते हैं 5x, ये हमारी 5x है, ये जेट भी करते हैं, इसमें लगा हुआ है देने के लिए, जेट का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर हम, और फोम भी हम इसमें बना सकते हैं, अलग से दे रखा है गले में डालने के लिए फोम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी फोम 5x ब्रांच। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आजकल एक नई ब्रांच आई हुई है जो गन की तरह हम यूज़ करते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो ब्रांच, तो मैं आपको दिखा देता, वो उसको फर्स्ट एक्शन ब्रांच भी बोलते हैं, ये और वो भी बोलते हैं मल्टीपर्पज़ ब्रांच भी बोलते हैं। उसमें भी फोक बनता है, उसमें भी हैंग कंट्रोल रहता है, पानी बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं वहीं पे फायर में। वो ब्रांच अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो मैं उसको भी दिखा सकता था आपको, वो ब्रांच हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं गन की तरह। ठीक है दोस्तों, इस तरह के पकड़ने के लिए बना होता है उसने, जैसे कि होजिल फायर फाइट गाड़ी में जैसे होजिल लगी रहती है उसमें जो नोजल लगा रहता है, जैसे स्प्रे भी फेंकता है, जेट भी फेंकता है। ठीक है दोस्तों, तो जान ही गए होंगे आप ब्रांच के बारे में, नन हैंड कंट्रोल ब्रांच हो गई और एक हैंड कंट्रोल ब्रांच हो गई, दो ही प्रकार की ब्रांचें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और जान गए होंगे वीडियो के बारे में, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों।